जिसके जीवन में मैं हूं, ईश्वर का आशीर्वाद हमेशा उसके साथ रहता है, और जो मुझसे दूर है उसे ईश्वर का साथ भी नहीं मिलता। इसीलिए तो मैं रोज चला आता हूं आपको उस परम शक्ति के और करीब ले जाने के लिए, आपको ईश्वर की सत्ता से परिचित कराने के लिए। और आज सोमवार है, इसलिए आज मैं आपको महादेव के प्रिय बेलपत्र के बारे में बताऊंगा। तो आइए मैं आपको बेलपत्र की महिमा समझाता हूं। जटाट विगलज्जल प्रवाह पावितस्थले गलेव लंब्य लंबितां भुजंग तुंग मालिकां डमड्ड मड्ड मड्ड मन्निनाद वड्ड मर्वयम् चकार चंड तांडवम् तनोतु नः शिवः शिवम् ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय। एक बेलपत्र से पूरी होगी महादेव की उपासना। बेलपत्र के बिना अधूरी है शिव की आराधना। भगवान शिव को बहुत प्रिय है बेल की पत्तियां। इनके प्रयोग से टल सकती हैं सारी विपत्तियां। ज्योतिष के जानकारों की माने तो भगवान शिव के पूजन में बेलपत्र का विशेष महत्व है। शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करने से प्रसन्न होते हैं महादेव। मान्यता है कि शिव की उपासना बिना बेलपत्र के पूरी नहीं होती। अगर आप भी देवों के देव महादेव की विशेष कृपा पाना चाहते हैं, तो बेलपत्र के महत्व को समझना बेहद जरूरी है। आइए जानते हैं कि बेलपत्र क्यों है शिव को इतना प्रिय, क्या है बेलपत्र का महत्व। बेल के पेड़ की पत्तियों को बेलपत्र कहते हैं। बेलपत्र में तीन पत्तियां एक साथ जुड़ी होती हैं, लेकिन इन्हें एक ही पत्ती मानते हैं। भगवान शिव की पूजा में बेलपत्र के अद्भुत प्रयोग होते हैं। बिना बेलपत्र के शिवजी की पूजा संपूर्ण नहीं होती। पूजा के साथ साथ बेलपत्र के औषधीय प्रयोग भी होते हैं। बेलपत्र के प्रयोग से तमाम बीमारियां दूर की जा सकती हैं। ज्योतिष के जानकारों की माने तो जब भी आप महादेव को बेलपत्र अर्पित करें तो कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि गलत तरीके से अर्पित किए हुए बेलपत्र शिव को अप्रसन्न भी कर सकते हैं। तो गौर से देखिए बेलपत्र से जुड़ी इन सावधानियों के बारे में। एक बेलपत्र में तीन पत्तियां होनी चाहिए। पत्तियां कटी या टूटी ना हो और उनमें कोई छेद भी नहीं होना चाहिए। भगवान शिव को बेलपत्र चिकनी ओर से ही अर्पित करें। एक ही बेलपत्र को जल से धोकर बार बार भी चढ़ा सकते हैं। शिवजी को बेलपत्र अर्पित करें तो साथ में जल की धारा जरूर चढ़ाएं। बिना जल के बेलपत्र अर्पित नहीं करना चाहिए। कई बार ना चाहते हुए भी शादी में देरी होने लगती है, कोई भी रिश्ता तय नहीं हो पाता। इसका कारण जो भी हो, पर बेलपत्र के उपाय से इस समस्या का समाधान जरूर हो सकता है। तो आइए जानते हैं कि बेलपत्र के प्रयोग से कैसे मनचाहे समय पर होगा आपका विवाह। एक 108 बेलपत्र लें और हर बेलपत्र पर चंदन से राम लिखें। ओम नमः शिवाय कहते हुए बेलपत्र को शिवलिंग पर चढ़ाते जाएं। सारे बेलपत्र चढ़ाने के बाद शिवजी से शीघ्र विवाह की प्रार्थना करें। जल्दी शादी करने के लिए बहुत फलदायी है ये प्रयोग। शिवजी का प्रिय बेलपत्र गंभीर बीमारियों से भी आपको छुटकारा दिला सकता है। अगर आप लंबे समय से किसी बीमारी से परेशान हैं,
हर इलाज नाकाम हो रहा है तो अब आपकी ये बीमारी बेलपत्र के प्रयोग से खुद ब खुद दूर हो जाएगी। कैसे, खुद ही देख लीजिए। एक 108 बेलपत्र लें और एक पात्र में चंदन का इत्र भी लें। अब एक एक बेलपत्र को चंदन में डुबाते जाएं और शिवलिंग पर चढ़ाते जाएं। हर बेलपत्र के साथ ओम होम जूम सह का जाप करते रहें। मंत्र जाप के बाद जल्दी स्वस्थ होने की प्रार्थना करें। बेलपत्र का केवल दैवीय प्रयोग नहीं है, तमाम औषधियों में भी ये काम आता है। इसके प्रयोग से आपकी सेहत से जुड़ी तमाम समस्याएं चुटकियों में हल होती हैं। आइए अब हम आपको बताते हैं कि बेलपत्र के औषधीय प्रयोग क्या क्या हैं। बड़ा ही मायावी है ये संसार, जिसे जो चाहिए उसे हमेशा वो मिलता नहीं है, लेकिन मेरे पास हर समस्या का समाधान है। आज मैं आपको संतान प्राप्ति के लिए बेलपत्र के अचूक उपाय बताने वाला हूं, लेकिन इससे पहले मैं आपको आपकी राशियों का हाल बताऊंगा। खान पान के मामलों में अपना ख्याल रखें, वाद विवाद से अपना बचाव करें, संतान पक्ष से सुख मिलेगा। शुभ रंग गुलाबी, भाग्य 45%। वृष, आपको वाहन का सुख मिलेगा, नौकरी में कुछ परिवर्तन होने के आसार दिखाई दे रहे हैं, परिवार में प्रसन्नता आएगी। शुभ रंग धानी, भाग्य 78%। मिथुन, विवाह तय होने का योग है, प्रेम संबंधों में आपको सफलता मिलेगी, किसी प्रिय मित्र से आपकी मुलाकात हो सकती है। शुभ रंग नारंगी, भाग्य 65%। कर्क, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, जीवन साथी का सहयोग आपको मिलेगा, धन लाभ होगा। शुभ रंग आसमानी, भाग्य 89%। स्वास्थ्य में सुधार होगा, नौकरी में परिवर्तन होने की संभावना है, अभी नया कारोबार शुरू ना करें। शुभ रंग भूरा, भाग्य 54%। कन्या, क्रोध पर नियंत्रण रखें, किसी लंबी यात्रा का योग बन रहा है, धन के नुकसान से बचाव करें। शुभ रंग बैंगनी, भाग्य 77%। तुला, मुकदमों में सफलता मिलेगी, नया काम का आपको अवसर मिलेगा, संतान प्राप्ति का योग बन रहा है। शुभ रंग लाल, भाग्य 45%। वृश्चिक, कोई बड़ा काम आपका बनने वाला है, वाहन चलाने में सावधानी रखें, रुका हुआ धन आपको मिल सकता है। शुभ रंग सुनहरा, भाग्य 74%। पिता से आपको सहयोग मिलेगा, संपत्ति का लाभ मिलेगा, मनोरंजक यात्रा का योग बन रहा है। शुभ रंग नीला, भाग्य 93%। मकर, वैवाहिक जीवन में सुधार होगा, कारोबार में भी लाभ होगा, आपकी सेहत अच्छी रहेगी,
शुभ रंग पीला, भाग्य 67%। कुंभ, नई नौकरी मिलने का संयोग दिखाई दे रहा है, अपनी सेहत का ख्याल रखें। धन के लाभ का योग बन रहा है, शुभ रंग फिरोजी, भाग्य 54%। मीन, संपत्ति का विवाद हल होगा, संतान के स्वास्थ्य का ख्याल रखें। आर्थिक लाभ होगा, शुभ रंग ग्रे, भाग्य 87%। निःसंतान होने की पीड़ा केवल वही समझ सकता है जिसके आंगन में अब तक किसी नन्हे मुन्ने की किलकारी नहीं गूंजी। लेकिन मैं धर्म इस दर्द को भली भांति समझता हूं, इसीलिए तो मैं आपकी सूनी गोद भरने का अचूक उपाय ले आया हूं। तो आइए मैं आपको बताता हूं कि बेलपत्र के कौन से प्रयोग से आपको संतान का सुख मिलेगा। घर में गूंजेगी नन्हे मुन्ने की किलकारी, दूर होगी बे औलाद होने की लाचारी, पूरा हो जाएगा माँ बाप बनने का सपना, आंगन में फिर लौटेगा बचपन अपना। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, संतान प्राप्ति की आपकी ख्वाहिश बहुत जल्दी पूरी हो सकती है। ज्योतिष के जानकारों की माने तो जो लोग संतान की ख्वाहिश में दर दर भटक रहे हैं उनके लिए बहुत कारगर और चमत्कारी है बेलपत्र। भगवान शिव के अति प्रिय बेलपत्र के प्रयोग से बहुत जल्दी भर सकती है आपकी सूनी गोद। इसके लिए क्या करना है गौर से देखिए। अपनी उम्र के बराबर बेलपत्र ले और एक बर्तन में कच्चा दूध लें। एक एक बेलपत्र दूध में डुबाते जाएं और शिवलिंग पर चढ़ाते जाएं। हर बेलपत्र चढ़ाने के साथ ओम नमो भगवते महादेवाय का जाप करें। इसके बाद महादेव से संतान प्राप्ति की प्रार्थना करें। तो देखा आपने, बेलपत्र के एक छोटे से प्रयोग में आपकी कितनी बड़ी समस्या का समाधान छिपा है। ये उपाय आपको शिव की विशेष कृपा का भागी बना सकता है। तो ये उपाय कीजिए और शिव का नाम जपते रहिए, आपका संतान का सपना बहुत जल्द साकार होगा। समय मेरे जाने का संदेश लेकर आया है, लेकिन मैं कल फिर आऊंगा, क्योंकि मेरा आना तो पूर्व निश्चित है, मेरा संकल्प भी समय जितना ही दृढ़ है। बिहार से, जहां आरजेडी ने रेप के आरोपी अपने विधायक राजबल्लभ यादव को पार्टी से निकाल दिया है। राजबल्लभ यादव पर एक नाबालिग से रेप का आरोप है। केस दर्ज होने के बाद से ही फरार चल रहे हैं आरोपी विधायक और अब पार्टी ने